नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी भी है। ऐसे में मास्क आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। यह समझिए कि इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। जब भी मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने नाक और मुंह को कवर करें। इसको लेकर कि हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #MaskPehnoIndia। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की गोंडा से, जहां खाना बनाते समय हुए सिलेंडर ब्लास्ट से दो मकान ढह गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया कि खाना बनाते समय वहां एक मकान में तेज धमाका हुआ और 2 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मशीनों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला। बताया गया कि मरने वालों में 2 आदमी, 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल थी। डायल 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है। IG महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहां मौके पर चल रहा है। हमारे सहयोगी देवमणि त्रिपाठी फोन लाइन पर मौजूद है। देवमणि, अभी तक 14 लोग निकाले गए हैं, क्या राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है? के बाद दो मकान इसमें 15 लोग मौजूद थे, जिसमें से सभी लोग मलबे के नीचे आ गए। जब रेस्क्यू ऑपरेशन SP और जो प्रशासनिक टीम है उनके निर्देशन में जब चला, तो यहाँ पे 15 लोगों को निकाला गया है, जिसमें एक अपडेट है जहाँ जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 बच्चे शामिल। 8 लोगों की मौत हुई है अभी, नाजुक बताई जा रही है। और जो उसके जो सीनियर डॉक्टर है उनके चल रहा है, वही रेस्क्यू का वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है, क्योंकि बताया जा रहा था कि 15 लोग इसमें हैं, तो सारे लोग निकाल लिए गए हैं, जिसमें 8 की मौत। ठीक है, तो हमारे सहयोगी देवमणि त्रिपाठी जानकारी दे रहे थे कि अब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग जो इसमें मौजूद थे उसमें 7 लोगों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि जो राहत बचाव का काम था वो पूरा हो चुका है और मलबे से सभी लोग निकाल लिए गए हैं। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से वहां शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये ढील उन इलाकों में दी गई है जहां संक्रमण की दर 10% से कम है या ऑक्सीजन ICU वेंटिलेटर बेड का इस्तेमाल 60% से कम है। कोरोना कर्फ्यू में ये ढील मंगलवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में एक सरकारी गाड़ी में कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर मंत्री ने सफाई। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जो राज्य के रायसेन जिले के एक गांव में बनाया गया, जिसमें 3 लोग एक सरकारी गाड़ी में बैठकर शराब पीते दिखे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पता चला कि गाड़ी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की है, जिसमें बैठकर 3 लोग मौज मस्ती करते नजर आए। जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन रायसेन में बारिश हुई थी और एक गांव वाले ने सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों की करतूत का वीडियो बना लिया था। उसने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से सवाल पूछने लगा, जिसके बाद उसने अपने सरकारी कर्मचारी होने की धौंस जमाई। मोटर बजाने की परमिशन है? सरकारी गाड़ी, जहाँ सरकारी आदमी कौन है? मैं तो। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गया कि बहस के बीच उसके बगल में बैठे शख्स का शराब पीने का वीडियो बन चुका है। उसने शराब का एक घूंट लेने के बाद बोतल पीछे की सीट पर बैठे आदमी को पकड़ा दी। हालांकि चोरी पकड़ी जाने पर इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई, उल्टा वो और हेकड़ी दिखाने लगे। गाड़ी चलाने वाला शख्स तो धमकाने वाले अंदाज में बात करते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। सरकारी गाड़ी में दारू पी रहा है, तुम अपना काम करो। ये देखते ही वीडियो बनाने वाले ने गाड़ी की चाबी घुमा दी, जिसके बाद सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि उन्होंने ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो किसी से नहीं डरते और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। बंद कर गाड़ी पहले। भैया चाबी बंद कर गाड़ी। हाँ तो मत लगा देना गाड़ी में। अपने काम।
ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य मंत्री ने खुद बताया कि ये गाड़ी उनकी है और गाड़ी में बैठा एक शख्स उनका चपरासी है, जिसे उसकी गलती की सजा दी जा चुकी है। हमारे इधर का प्यून था, वो उसने गलती की है, उसको हमने निकाल दिया। हालांकि बाकी के दो लोगों के बारे में प्रभुराम चौधरी को कुछ खास पता नहीं था। देश में कोरोना को लेकर इस समय जब हाहाकार मची हुई है, तब वहीं यूपी की बस्ती से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोपी की बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच किए ही किट को तोड़कर रख रहे हैं, जिससे ये साबित हो सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ। कोरोना जांच किट की बर्बादी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बिना जांच किए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच किट को तोड़कर रख रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सके कि उन्होंने गांव के लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है। इस धोखेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए भी आरोपी कर्मचारी एक जगह बैठ गए और वहीं कोरोना किट को तोड़कर जांच पूरी होने का फर्जीवाड़ा करने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसके वायरल होने के बाद प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची और इसके बाद डीएम ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या कुछ है मामला? हाँ, वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री ने छात्रों को ये बड़ी सौगात दी। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। ये फैसला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सेहत और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और इसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। बैठक में फैसला लिया गया है कि समय के हिसाब से 12वीं के नतीजे तय किए जाएंगे, जिसके लिए उचित मानदंडों का ख्याल रखा जाएगा। इससे पहले पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा शिक्षा सचिव अमित खरे और सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद रहे। इस बीच सीबीएसई के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से। वहां 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने एक समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है, जहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने आरोप लगाया कि एक समुदाय की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है। हिंदू परिवारों का आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है। तो ये बनासकांठा की तस्वीरें आप देखिए, गुजरात के बनासकांठा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गाड़ी में आग लगी है और हादसे से यहां पर हड़कंप मचा है। दरअसल ये गाड़ियां आग का गोला बन गई देखते ही देखते। गुजरात की बनासकांठा से ये चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां पर गाड़ियों में आग लग गई और जब तक ये आग बुझाई जाती तब तक गाड़ियां तहस नहस हो चुकी थी। आग का गोला बनी है ये गाड़ियां, तो गुजरात की बनासकांठा से रोंगटे खड़े कर रही हैं ये तस्वीरें। सड़क हादसे में एक टैंकर और एक पुलिस की गाड़ी में भीषण आग लग गई। यह हादसा केमिकल से भरे टैंकर के सड़क पर पलटने की वजह से हुआ, जिसके बाद उसमें आग लगी। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने पास से गुजर रही पुलिस की गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई। गाड़ियों से उठ रही भयंकर लपटों को देखकर आसपास के लोग काफी घबरा गए। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर और सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन टैंकर के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। चीन के एक दृष्टिहीन शख्स ने माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया। 44 साल के जांग होंग दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जो दृष्टिहीन होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब रहे, और उन्होंने नेपाल के रास्ते एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपने नाम ये शानदार रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। लेकिन इससे पहले वो बर्फीले पहाड़ों पर मुश्किल ट्रेनिंग से भी गुजरे। उनकी चढ़ाई के शुरुआती दौर से सामने आई तस्वीरों में जांग होंग पर्वतारोही के नारंगी लिबास में बर्फ से ढके पहाड़ पर बैठे नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोकल गाइड ने उनकी पूरी मदद की। इस मुश्किल चढ़ाई के दौरान इस दृष्टिहीन शख्स ने किसी आम पर्वतारोही की तरह ही हर मुश्किल का सामना किया। एवरेस्ट की कड़कड़ाती ठंड में कभी वो शरीर पर बंधी रस्सी की मदद से कठिन रास्ते पार करते दिखे, तो कभी मोटी बर्फ की चादर पर छड़ी के सहारे चलते नजर आए। अपनी टीम के साथ दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जांग होंग अपने लक्ष्य को पूरा कर काठमांडू लौट आए। बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से। वहां 100 से ज्यादा एक समुदाय के परिवारों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है,
जहां रहने वाले एक समुदाय के परिवारों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है। एक समुदाय के परिवारों का आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है और उनके साथ मारपीट होती है। इसी से परेशान होकर एक समुदाय के परिवारों ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। इस मामले की जानकारी होने पर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल गाँव पहुँचा, लोगों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। ये बारात चढ़ने का प्रकरण था, उसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR करा दी गई है। जो मुस्लिम तत्व के लोग हैं, गुंडे तत्व के लोग, उनको सजा मिलेगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आगे जीवन में ऐसी घटना न करें नूरपुर में, इसका एक संदेश जाएगा। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? 11 लोगों के मुकदमा खिलाफ है, 5 लोग अज्ञात में। जितने लोगों के खिलाफ FIR कार्रवाई की जाएगी। तो मुस्लिम वर्ग के लोग बारात को चढ़ने नहीं दे रहे मस्जिद के पास। मैं बोला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें किसी की बारात को रोकने का अधिकार किसी का नहीं है, ठीक है। ये सपा बसपा नहीं है, ये योगी की सरकार है, निश्चित बारात चढ़ेगी। मैंने तत्काल यहाँ के जो इंस्पेक्टर है मान, उनको बोला और उन्होंने तत्काल यहाँ फोर्स भेज करके बारात चढ़ा, यहाँ बारात चढ़ी। चढ़ने के बाद उसमें हो सकता है उसमें जो मारपीट हुई, हमने तत्काल कहा कि आप प्रार्थना पत्र भेजो। खुद यहाँ जो उस बिटिया के पिताजी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि हमने 28 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है। फिर मैंने हमारे कार्यकर्ता थे उनसे पूछा, जब 28 को प्रार्थना पत्र पहुँचाए तो 30 तारीख की शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें 11 लोग नेम्ड हैं, निश्चित ही 5 उसमें अज्ञात हैं। मैं मतलब पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर उनकी निश्चित गिरफ्तारी होगी और जेल जाएंगे। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एम्बुलेंस में शराब ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपियों की इस चाल की भनक पुलिस को पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद वो उस एम्बुलेंस के पीछे लग गई। काफी दूर तक पुलिस वालों ने उसका पीछा किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपनी गाड़ी शराब से भरी उस एम्बुलेंस के सामने खड़ी कर दी। फिर बीच रास्ते में उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस के जवानों को गाड़ी के अंदर से शराब की कई बोतलें मिली, जिसके बाद इन्हें ले जा रहे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि पकड़े गए ये लोग काफी वक्त से एम्बुलेंस की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। चीन के एक दृष्टिहीन शख्स ने माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया। 44 साल के जांग होंग दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जो दृष्टिहीन होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब रहे। और उन्होंने नेपाल के रास्ते एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपने नाम ये शानदार रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। लेकिन इससे पहले वो बर्फीले पहाड़ों पर मुश्किल ट्रेनिंग से भी गुजरे। उनकी चढ़ाई के शुरुआती दौर से सामने आई तस्वीरों में जांग होंग पर्वतारोही के नारंगी लिबास में बर्फ से ढके पहाड़ पर बैठे नजर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोकल गाइड ने उनकी पूरी मदद की। इस मुश्किल चढ़ाई के दौरान इस दृष्टिहीन शख्स ने किसी आम पर्वतारोही की तरह ही हर मुश्किल का सामना किया। एवरेस्ट की कड़कड़ाती ठंड में कभी वो शरीर पर बंधी रस्सी की मदद से कठिन रास्ते पार करते दिखे, तो कभी मोटी बर्फ की चादर पर छड़ी के सहारे चलते नजर आए। अपनी टीम के साथ दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद जांग होंग अपने लक्ष्य को पूरा कर काठमांडू लौट आए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक सरकारी केंद्र पर फसलों के लिए बीज लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। सरकारी केंद्र से बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। अपनी बारी के इंतजार में कई किसान लाइन में खड़े हो गए। इनमें एक आदमी ने बीच में घुसने की कोशिश की, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। जितने लोग गेट के अंदर लाइन में खड़े थे, उससे कहीं ज्यादा गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कड़ी धूप में जब उनका सब्र जवाब दे गया, तो उन्होंने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। कुछ लोग गेट फांद कर अंदर पहुंचे, जबकि कुछ वहां लगी कंटीली तारों के नीचे से होकर आए। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच गई। लोग तो पहले ही कोरोना नियमों से बेपरवाह थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक पुलिसकर्मी भी बगैर मास्क की भीड़ के बीच पहुंच गया। इस बीच गेट के बाहर खड़े कुछ लोगों ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। सुबह से 6-7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, 11-12 बजे तक कोई व्यवस्था ना की यार चालू हुई नहीं थी। जिन लोगों को बीज की बोरियां मिली वो उन्हें लेकर चलते बने, बाकी लोग घंटों धूप में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के मामले में ममता सरकार की ओर से लगाए गए आरोपों का केंद्र सरकार ने जवाब दिया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने पीएम के बंगाल दौरे से जुड़े ममता सरकार के एक आरोप का जवाब दिया। खबर है कि पीएम के कार्यक्रम की सूचना देर से मिलने के आरोप के जवाब में केंद्र ने 2 टूक कह दिया कि तय कार्यक्रम की सूचना बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों को दी गई।
साथ ही केंद्र ने ममता बनर्जी के कलाईकुंडा में पीएम का इंतजार करने वाली बात भी गलत ठहराई और साफ कर दिया कि पीएम वहां पहले पहुंचे थे और उन्हें ममता बनर्जी का इंतजार करना पड़ा। यही नहीं, खबर है कि ममता बनर्जी ने पीएम के साथ बैठक का न्योता स्वीकार कर लिया था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आने की वजह से उन्होंने कार्यक्रम बदल दिया। केंद्र की ओर से अलपन बंदोपाध्याय के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाने की चर्चा है और उसका कहना है कि बंगाल के मुख्य सचिव का रिटायर होना इस बात को साबित करता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर है। अलपन बंदोपाध्याय ने यास तूफान पर पीएम के साथ होने वाली बैठक में प्रेजेंटेशन नहीं दी। केंद्र सरकार का आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने से रोका। पीएम के साथ बैठक से जुड़े विवाद पर ममता बार बार ये कह रही हैं कि वो वहां पीएम से पूछ कर गई थी, लेकिन केंद्र ने इससे इनकार किया। पता चला है कि पीएम ने उन्हें वहां से जाने की इजाजत नहीं दी। यूपी के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा के रिटायर होने की खुशी में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की। यह घटना 3 दिन पुरानी है, जब दारोगा हरीश चंद्र ओझा को इलाके के लोगों ने विदाई देने का प्लान बनाया और उन्हें घोड़ी पर चढ़ाकर इलाके में जुलूस निकाला। न तो रिटायर हो चुके दारोगा के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही भीड़ में चल रहे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर। दारोगा को विदाई देने के चक्कर में इलाके के लोग ये भी भूल गए कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लाउड स्पीकर पर गाने चलाकर लोगों ने काफी देर तक डांस किया। कई लोगों ने रिटायर हो चुके दारोगा को मालाएं भी पहनाई। दारोगा के रिटायर होने की खुशी में निकाला गया इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। और ये तस्वीर भी गुजरात की है, जहां पाटन में कांग्रेस विधायक रघु देसाई ग्रामीण इलाके में लोगों से मिलने पहुंचे, इत्मीनान से बैठकर बातें की, लेकिन वहां न तो वो खुद मास्क पहने दिखे और न ही उन्हें सुनने के लिए जुटने वाले लोग। हैरानी की बात तो ये थी कि विधायक लोगों से कोरोना से जुड़े मुद्दे पर ही बात कर रहे थे, लेकिन जब जन प्रतिनिधि कोरोना संकट के बीच लोगों को अब महंगाई भी सताने लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अब खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तेल, दाल और चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल सरसों तेल की कीमत करीब 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 140 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। मूंग दाल की बात करें तो उसके दाम में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने मूंग दाल की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर अब 170 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं उड़द दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जबकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने अब खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट भी आई है। दाल समेत खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि सरकार एग्रीकल्चर सेस या इंपोर्ट ड्यूटी में किसी एक को या फिर दोनों को घटाने पर विचार कर रही है, ताकि आम लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। सूत्रों के मुताबिक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा खत्म कर दिया था और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा था। मसूर, काबुली और काबुली चना जैसे दालों पर अभी 10% ड्यूटी लगती है। इसके अलावा 20 से 50% तक एग्रीकल्चर सेस लगाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दालों के आयात में तेजी लाने के लिए सरकार ये कटौती करेगी, ताकि बड़ी मात्रा में दाल की आयात हो और कीमतों में कमी आए। दिल्ली के लोगों को सख्त लॉकडाउन में कुछ ढील दे दी गई। सड़कों पर जगह जगह पुलिस के जवानों की तैनाती ये देखने के लिए रही कि थोड़ी सी छूट मिलने पर लोग लापरवाही बरतना शुरू न कर दें। इसीलिए ज्यादातर अहम रास्तों पर पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर तैनात रहे। सरकार ने कमर्शियल गाड़ियों को आवाजाही की छूट दी है, इसलिए प्राइवेट नंबर प्लेट वाली हर गाड़ी को रोककर पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करते रहे और उनके बाहर निकलने की वजह पूछते रहे। कहाँ जाना है आपको? वैक्सीनेशन के लिए जाना है और ये इस बाबत दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि इनका अपॉइंटमेंट है आज का। यहाँ तक कि बसों को रोककर पुलिस वाले देखते रहे कि सावधानी बरती जा रही है या नहीं। दिल्ली पुलिस जो है वो DTC बसों को भी रुकवा कर चेक कर रही है कि इन बसों में ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी कई जगहों पर तैनात किए गए। यहाँ तक कि VVIP इलाकों में भी कोई रियायत नहीं बरती गई। पार्लियामेंट है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है,
और इस तरीके का आलम यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी आपको दिखेंगे, यानी जो दिल्ली में अनलॉक हुआ है उसका गलत फायदा कोई ना ले। पुलिस और सरकार की चिंता ये है कि कहीं छूट मिलते ही लोग लापरवाह न हो जाएं। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी विधायक महेश लांडगे की बेटी की शादी के मौके पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस मामले में पुलिस ने विधायक समेत 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि शादी से पहले हल्दी की रस्म में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों को तार तार कर दिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई लोग एक पंडाल के अंदर डांस करते दिखे। भीड़ इतनी कि वहां पांव रखने तक की जगह नहीं थी। सभी कोरोना से बेपरवाह होकर संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, रस्म पूरी करने के नाम पर पंडाल के बाहर जमकर हल्दी के रंग उड़ाए गए। ये लोग काफी देर तक आम दिनों की तरह जश्न में डूबे रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, इस पार्टी में तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। केंद्र सरकार ने साफ किया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दो डोज के शेड्यूल में ना तो कोई बदलाव हुआ है और ना ही दोनों को मिलाकर देने की चर्चा है। शील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो दो डोज का शेड्यूल है, कोवैक्सीन का भी दो डोज का शेड्यूल है। देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। 2027 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ अहम फैसले लिए। हालांकि भारत में खेले जाने वाले 2023 के वर्ल्ड कप में कोई बदलाव नहीं है। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में 10 नहीं बल्कि 14 टीमों को खेलने का मौका मिले। 2019 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें खेली थी और टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट पर हुआ। इसका मतलब ये कि टूर्नामेंट में कोई ग्रुप नहीं था बल्कि हर टीम बाकी सभी 9 टीमों से मैच खेली थी। इसी फॉर्मेट पर 2023 का वर्ल्ड कप भी होना है, लेकिन 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में 7-7 टीमों के दो ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर सुपर सिक्स के मैच खेले जाएंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसा 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ था, यानी दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमों को सुपर सिक्स में जगह मिलेगी जहां हर टीम बाकी 5 टीमों से मैच खेलेगी। इसी फॉर्मेट पर हुआ 2003 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए बेहतरीन रहा था। तब सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी और पूरे टूर्नामेंट में फाइनल समेत केवल 2 मैच हारी। महाराष्ट्र के नासिक से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां केमिकल से भरे एक टैंकर और ट्रक में टक्कर के बाद उनमें भीषण आग लगी। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 2 लोग बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। रात के अंधेरे में दोनों गाड़ियां आग के 2 गोलों जैसी दिखाई दी। उनसे उठती ऊंची ऊंची लपटों को देखकर वहां लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई इस आग को बुझा नहीं सका। इस हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के आरोप में घिरे सांसद खुद ही अपना चालान कटवाने थाने पहुंच गए। उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया मंत्री मोहन यादव के साथ लोगों को कोरोना नियमों के लिए जागरूक करने निकले थे, लेकिन इस दौरान वो अपनी कार छोड़कर मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मोहन यादव को भी अपनी बुलेट के पीछे बैठा लिया और बाजार का मुआयना करने निकल पड़े। हालांकि वो बिना हेलमेट पहने ही मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिस पर सवाल खड़े होने लगे। बाद में गलती का एहसास होते ही सांसद और मंत्री थाने पहुंचे और अपना चालान कटवाया। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उन पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में बिना हेलमेट पहनने पर कार्रवाई की। सांसद ने आगे से ऐसी गलती नहीं करने का भरोसा दिया और लोगों से भी ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है, उसका पालन करना चाहिए। कोरोना का असर कम होने के बाद उज्जैन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन लोग कोरोना नियमों का पालन करना न भूलें, इसके लिए सांसद अनिल फिरोजिया और मंत्री मोहन यादव उन्हें जागरूक करने निकले थे। जम्मू कश्मीर की उस बच्ची की अपील रंग लाई जिसने अपने होमवर्क को लेकर सोशल मीडिया के जरिए सीधे पीएम मोदी से गुहार लगाई। इस बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्कूली बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बदलाव की शुरुआत की है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए रोजाना होने वाली ऑनलाइन क्लासेस को 1.5 घंटे करने का फैसला किया है। इस खबर के बाद उस लड़की ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और उपराज्यपाल को धन्यवाद दिया। थैंक यू वेरी मच एलजी सर, बाय। थैंक यू वेरी मच एलजी सर, बाय। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में ये छोटी बच्ची पीएम मोदी से अपनी ऑनलाइन क्लास की शिकायत करती नजर आई थी। इस बच्ची ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी पढ़ाई के बोझ की बातें की और पीएम से अपील की कि वो इसे कम करने में
उसकी मदद करें। अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old, मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चन जो होता है, जो 6 years old होता है, उनको ज़्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं, इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास, एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम मोदी साहब, गुड बाय। मुंबई में सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक को देखते हुए वहां के नगर निगम BMC ने लॉकडाउन सख्त करने की चेतावनी दी। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की भरमार लग गई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखने पर तो जरा भी नहीं लगा कि शहर में लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी है। गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जैम ने पाबंदियों की असलियत सामने ला दी। तस्वीरें यही बताती हैं कि लोग जो हैं वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन नाम मात्र का बढ़ाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर BMC ने कड़ा रुख अपनाया। BMC की मेयर ने लॉकडाउन को और सख्त करने की चेतावनी देने के साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। मेरे हाथ जोड़ के सबको विनती है, आज भी कोरोना कम नहीं हुआ है, आज भी हॉस्पिटल के बेड भरे हुए हैं। शहर के कई दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं, जहां लोग धड़ल्ले से सड़कों पर गाड़ियां चलाते दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, वहां 41 दिन बाद कोरोना के नए आंकड़े 10,000 से नीचे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,424 नए मामले सामने आए, जबकि 137 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं एक दिन में 17,722 लोग ठीक भी हुए, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टेस्ट किया गया। पश्चिम बंगाल में समय कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 14.5% है। गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी मंदिर की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया, और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से जो दिक्कतें पेश आईं, वैसे हालात फिर ना हों, इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई। इसके तहत अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने अपने कोविड केयर सेंटर के पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेज कर दिया। ऑक्सीजन टैंक और मशीनें वहां मंगवा ली गईं और दावा किया गया कि कुछ दिनों में ये काम करना भी शुरू कर देंगी। हम थर्ड वेव की तैयारी पूरी कर रहे हैं और ज्यादा स्टाफ भी रख रहे हैं। 50 बिस्तरों वाले अंबाजी कोविड केयर सेंटर में अभी 30 ऑक्सीजन वाले बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 120 करने की तैयारी चल रही है, ताकि तीसरी लहर आए भी तो कोरोना मरीजों के इलाज में पहले जैसी परेशानी न हो। पंजाब में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,184 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लुधियाना से कोरोना के 222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 94 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा मटिंडा में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 5,039 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा लोगों का एक दिन में टेस्ट किया गया है। ब्लैक फंगस की दवा और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि अगर टीके की कमी है तो सरकार घोषणाएं क्यों करती है, और अगर वैक्सीन की कमी है तो प्राथमिकता तय होनी चाहिए। आखिर 60 साल से ऊपर वालों को पहले वैक्सीन लगाने का फैसला क्यों लिया गया? हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई कि देश ने कितने युवाओं को खो दिया और सरकार ऐसे लोगों को बचाने में जुटी है जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। हालांकि जज ने यह भी साफ किया कि वो ये नहीं कह रहे कि बुजुर्गों को टीका न लगाया जाए, बल्कि प्राथमिकता तय होनी चाहिए। ब्लैक फंगस की दवा पर दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने सवाल किया कि इसकी कितनी दवा किसे दी गई, और इसके लिए भी सरकार नीति बनाए कि दवा की कमी के समय किनको प्राथमिकता दी जाए। मायावती ने CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छात्रों और अभिभावकों के साथ साथ यही समय की मांग भी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार के गया से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आसमानी बिजली गिरने से ताड़ के एक पेड़ पर आग लग गई। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों दलों में खींचतान की खबरों के बीच वहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सफाई दी। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये सरकार 5 साल चलेगी। बिहार के छपरा में एक लड़के पर डीआईजी मनु महाराज की फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाकर लड़कियों से बदसलूकी करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस लड़के ने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लड़कियों से पैसे की भी मांग की थी। महाराष्ट्र के सतारा में चलती ट्रेन से एक बच्ची को नीचे फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे में घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली किसानों से भिड़ गए। इसकी नौबत तब आई जब कृषि सुधार कानूनों का लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने उनकी गाड़ी का घेराव कर दिया, जिस पर टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खुद के खिलाफ लग रहे नारों से उनकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए। इसके बाद वो उन किसानों से उलझ पड़े। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुस्से से तमतमाए विधायक प्रदर्शनकारियों के साथ गाली गलौज पर उतर आए। इसके बाद पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी में बैठाया, लेकिन हंगामा यही नहीं थमा। इसकी जानकारी मिलते ही शहर में और बवाल खड़ा हो गया। विधायक वहां के एक अस्पताल में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को किसानों ने अस्पताल के बाहर दोबारा घेर लिया। कुछ प्रदर्शनकारी तो उनकी गाड़ी के आगे जमीन पर लेट गए, जिन्हें पुलिस वालों ने हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए विधायक को काले झंडे भी दिखाए, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और हंगामा कर रहे लोगों से निपटने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर विधायक की गाड़ी आगे बढ़ सकी। हालांकि आगे बढ़ते ही उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू हो गया। इस पत्थरबाजी से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। बात यही नहीं थमी, किसानों ने चेतावनी दी कि अगर विधायक ने उनसे माफी नहीं मांगी तो उनका प्रदर्शन और तेज होगा। अगर देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी, हम कल चंडीगढ़ सा जो है रोड है वो जाम करेंगे। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने एक वीडियो जारी किया और खुद पर जानलेवा हमला होने का आरोप लगा दिया। उस किसान के नाम लेकर किसान के रूप में जो छुपे वीडियो ने मेरे पर जानलेवा उन्होंने किया। गाड़ी पर पथराव के दौरान विधायक के साथ बैठे एक आदमी को काफी चोटें आईं, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के नारनौल में तेल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग को बुझाने के लिए रेवाड़ी से भी वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन तेल के गोदाम में लगी भीषण आग को नहीं बुझाया जा सका। बताया गया कि आग शाम करीब 7 बजे लगी और तेजी से फैलते हुए उसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। काफी दूर से भी वहां आग की ऊंची लपटें उठती नजर आई। बताया गया कि जिस गोदाम में आग लगी उसके पास में ही सरसों के तेल के कई टैंकर भी खड़े हैं। अगर गोदाम की आग वहां तक पहुंच गई तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। तेल के गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए पड़ोसी जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। यूपी के फिरोजाबाद में पानी के लिए संग्राम हो गया। पुलिस को लोगों पर लाठियां चलानी पड़ी और भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। शुरुआत तब हुई जब एक पानी की पाइपलाइन की मरम्मत की मांग लेकर लोग धरने पर बैठे और रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई तो लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस और पब्लिक के बीच जंग शुरू हो गई। एक तरफ भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगी तो दूसरी तरफ पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए भागते दौड़ते दिखने लगे। एक थानाध्यक्ष तो पत्थर लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन जंग चलती रही। इस पत्थरबाजी के चक्कर में 6 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। झगड़ा केवल एक पानी की टंकी के पास पाइपलाइन टूटने का था। इनमें किसी से कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने हमारी टंकी तोड़ दी, हमारे यहाँ का 2 दिन से पानी बंद है। लेकिन जब पुलिस के बड़े अफसरों को खबर मिली तो उन्होंने ताकत की बजाय दिमाग से काम लिया और पुलिस फोर्स बुलाने के बजाय लोगों से बात करने के लिए खुद घटना वाली जगह पर पहुंच गए। लोगों से बात की गई और उनकी पाइपलाइन ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया गया। मांग पूरी हो गई तो लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो गया। गाड़ियों के सरकारी गाड़ियां हैं, खंडन की जा रही है।
लेकिन इस हंगामे के चक्कर में एक रोडवेज की बस भी फंस गई। बस के शीशे बुरी तरह टूट गए। गरिमत यह रही कि बस में बैठे लोगों को चोट नहीं लगी। हरियाणा के नारनौल से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक तेल मिल में जबरदस्त आग से हड़कंप मच गया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिल की इमारत से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कई मीटर ऊंची लपटों पर पानी के बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। बताया गया कि इस मिल में लाखों लीटर खाने का तेल रखा हुआ था, जिसके आग पकड़ने का भी खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम 2022 में शादी कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अगले साल शादी कर सकते हैं। खबर है कि उन्होंने अपने चाचा की बेटी से सगाई भी कर ली। दिल्ली पुलिस ने एक पहल करते हुए जॉब फेयर का आयोजन किया। पुलिस ने पहले 55 युवाओं को 10 दिन तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ट्रेनिंग दी, क्योंकि कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इसी क्षेत्र में है। पुलिस की इस पहल के बाद इस जॉब फेयर में 4 कंपनियां पहुंची, जिन्होंने इन युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी। मेडिकल फील्ड में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए इनको तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। वो हाल में कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन अब इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में एक मकान से संदिग्ध हालात में एक लड़के और लड़की का शव मिला। बताया गया इन दोनों शवों पर गोली के निशान थे। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण से जुड़ा कानून संविधान के दायरे में नहीं बनाया था। कानून ही ऐसा बनाए जो कोर्ट के दायरे में चैलेंज होने के बाद में भी उसको वो ठीक से रहना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार कानून की पैरवी करने में कमजोर रही। उसको सही तरीके से सही मायने में कोर्ट के सामने दलील के स्वरूप में रखते तो शायद आरक्षण को बचा पाते। दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कोटे में मराठा समुदाय को जोड़ने के बाद कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस ने प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण देने की मांग तेज कर दी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी बात पर अड़िग रहकर उसको न्याय देने की व्यवस्था करेगी। ब्रिटेन में तपती गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों का हुजूम समुद्री तट पर नजर आया। यहां आमतौर पर मई जून का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन इस बार ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके बाद भीषण गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में यहाँ के एक बीच पर छुट्टी के दिन ये लोग एक छोर से दूसरे छोर तक फैले नजर आए। समुद्र किनारे बैठे ये लोग गर्मी भगाने के लिए ठंडी हवाओं और समुद्र में उठती लहरों का आनंद उठाते दिखाई दिए। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में एक महीना पहले शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में 60 जिंदगियों की बलि चढ़ गई, लेकिन बगावत की राह पर निकले लोग अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं। प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए वहां की सरकार उनसे बातचीत भी कर रही है, लेकिन उसका जमीन पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि इस बार भी जो तस्वीरें सामने आई उनमें भी हर तरफ प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग सुलगती दिखी। वो उतने ही जोश और ताकत के साथ सड़क पर पुलिस से दो दो हाथ करते नजर आए, जैसे विरोध के पहले दिन किया था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो प्रदर्शनकारियों ने लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे अपने आगे खड़े कर दिए। कुछ जगह तो लोगों ने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उस पर पत्थर तक बरसाए। सरकार के टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोलंबिया में अप्रैल में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। वो प्रस्ताव तो वापस ले लिया गया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों ने सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए एक आंदोलन की शक्ल ले ली। राजस्थान के करौली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां दो गुटों के झगड़े में गोलियां चलने से कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि जमीन विवाद के मसले पर दोनों गुटों के बीच पहले बहस हुई और उसके बाद दोनों गुटों में झगड़ा हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक मोहल्ले में लोगों की भीड़ नजर आई, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठियां लिए भी दिखे। भीड़ के शोर शराबे के बीच अचानक वहां गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियां चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर ये गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची और उसने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। 6-7 आदमी के खिलाफ उन्होंने नाम दर्ज कर दिया। बताया गया कि दोनों गुटों के बीच पहले भी कई जमीन विवाद के मसले पर झगड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई। कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों में कुछ राज्यों ने ढील देते हुए शराब की दुकानों को खोल दिया, लेकिन जैसे ही दुकानें खुली वहां भीड़ उमड़ पड़ी।
ऐसी ही कुछ तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी सामने आई, जहां ममता सरकार ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, लोग शराब की दुकानों के बाहर ऐसे खड़े मिले जैसे किसी गुरुद्वारे में लंगर बट रहा हो। शराब की एक दुकान के बाहर लगी लंबी कतार में एक शख्स ऐसा भी दिखा जिसे शराब खरीदने की इतनी जल्दी थी कि उसने अपने बदन को कपड़ों से ढकने तक की परवाह नहीं की। उसके चेहरे पर मास्क था लेकिन वो लटक रहा था। उसे इंतजार था तो सिर्फ अपनी बारी का, कब शराब मिले और वो वहां से जाए। वहां मौजूद बाकी लोगों में भी कुछ खास फर्क नहीं दिखा। कोरोना नियमों को मानने की जहमत उन्होंने भी नहीं उठाई। कुछ ने मास्क तक तो कायदे से लगाया नहीं था। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात को तो भूल ही जाइए। राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन लोग जहां पर एक दूसरे से चिपक कर खड़े नजर आ रहे हैं। शराब खरीदने के लिए कुछ लोगों ने अजीबोगरीब दलीलें भी दी। कोरोना हो गया तो कोरोना इसमें मारेगा खाने से। पश्चिम बंगाल की ही तरह कर्नाटक के हुबली में जिला प्रशासन ने सुबह 6 से 8 बजे के बीच शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी क्या दी। वहां अच्छी खासी तादाद में लोग सारे काम छोड़कर शराब खरीदने पहुंच गए। वहां शराब की एक दुकान के बाहर कई लोग लाइन में लगे दिखे। हालांकि उस दुकान के बाहर एक आदमी सैनिटाइजर लेकर खड़ा था जो सबके हाथों को सैनिटाइज करने का काम करता दिखाई दिया। साथ ही 2 गज की दूरी के नियम का भी वहां पालन करवाया गया। एक एक कर लोगों ने शराब खरीदी, कुछ थैले भर भर कर शराब ले जाते दिखे।